सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको आउटकम मिलते हैं, उनको आउटपुट मिलती है उस चीज की. वो लोग इंडिविजुअली सबको हेल्प आउट करते हैं ना, इस वजह से वो करते हैं इस तरह से, क्योंकि उनका बढ़ना बनता है क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे होते हैं. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. बट ये है कि भारत बहुत जल्दी बढ़े और पाकिस्तान अकल के नाम पर करने चाहिए. देखें, इंडिया रिसर्च कर रहा है काफ़ी अच्छे से, और डेफिनेटली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप भी किए हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं. उनके पास रॉ मटेरियल्स भी मौजूद है जिससे वो वैक्सीनेशन को बना रहे हैं. डॉक्टर तो कोलैबोरेट किया है, तो वो भी लॉन्च हो जाएगी. और इंडिया को अपना प्रोग्रेस करने दें, हम अपना करें, हमारी भी हो रही है लॉन्च, तो दैट्स अ गुड साइन. जैसा कि आपने मुझे बताया, ठीक है, कि जो भारत है वो स्टेप ले रहा है, ठीक है, और बेसिकली बहुत अच्छा स्टेप है ये हमारी पूरी दुनिया के लिए. ये बहुत अच्छा स्टेप ले रहा है कि ये वैक्सीन तैयार हो रही है, ठीक है. और ये जो आपने बताया है, और ये जो भारत के अंदर जो कंपनी है सीरम टाइप, जो सीरम नाम है उसका, ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड उसको प्रमोट करेगी, ठीक है, बेसिकली वो इन्होंने, इनका मेन सोर्स है यूरोप कंट्रीज में जाने का, ठीक है. उसमें उनका ये है कि आपको पता है डॉलर की वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है, ठीक है, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेसिकली इन राइट नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है. तो पाकिस्तान को भी स्टेप लेना चाहिए इसके बारे में, वैक्सीनिंग्स देनी चाहिए, हमारे रिसर्च सेंटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च करना चाहते हैं, और बहुत ही एजुकेटेड और बहुत हाईली जो है ना इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं. द थिंग इज दैट वी डोंट हैव फंड्स. हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैव इवन अ सिंगल पेटेंट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान. हमारी कोई एक अपनी मेडिसिन नहीं है, हम डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल्स के लिए, वैक्सीन के लिए दूसरी कंट्रीज पे. तो मैं तो इतनी रेगुलराइज हो कि फिर वो कर दे, और इतनी रिसर्च क्विक हो, लेकिन अगर हमें 2 साल लग रहे हैं बनाने के लिए, और अगर कुछ चीज़ बन चुकी है एंड वी गेट इट इम्पोर्टेड इन टू द कंट्री, तो हमें वो इमीजिएटली करना चाहिए ना, क्योंकि ये इमीजिएट मेजर है. तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फॉर विच यू कैन डिले और विच यू कैन वेट. इससे पहले